ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की एक बहुत बड़ी भूल सामने आ रही है। जी हाँ, इसे उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल बताया जा रहा है। इस भूल की कीमत उन्हें अपनी सीट गंवाकर चुकानी पड़ी है। जी हाँ, यह कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी में ध्यान देना था और शिवपुरी की सीट उनके हाथ से चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दे दी गई उत्तर प्रदेश की, जहां उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वे अपनी सीट पर भी ध्यान नहीं दे पाए। शिवपुरी में उनके ही खास समर्थक केपी यादव ने अपने पक्ष में खासा माहौल खड़ा कर लिया। यहां पर कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी ने संभाली थी, लेकिन उनकी पत्नी का संपर्क भी उतना काम नहीं आया और यहाँ पर उन्हें शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा। यही स्थिति दिग्विजय सिंह की भी रही। दिग्विजय सिंह भी भोपाल में फंस कर रह गए और भोपाल सीट के कारण उन्होंने मध्य प्रदेश की अन्य सीटों पर ध्यान नहीं दिया। भोपाल में संघ ने उनके खिलाफ ऐसी व्यूह रचना रची कि वे उसमें उलझ कर रह गए। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इन दो दिग्गजों के उलझने के कारण दो सीटों का एक बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। दिग्विजय सिंह के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर वे भोपाल सीट पर नहीं उलझते तो वे मध्य प्रदेश में निमाड़ से लेकर मालवा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे साध्वी प्रज्ञा के कारण भोपाल में ही बुरी तरह से उलझ गए। इधर यह भी कहा गया कि दिग्विजय को बार बार ऐसा लगता रहा कि वे भोपाल से जीत जाएंगे और उनके सामने प्रज्ञा ठाकुर बेहद आसान उम्मीदवार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रज्ञा ठाकुर एक ऐसी उम्मीदवार निकली जिसने दिग्विजय सिंह को धूल चटा दी। इधर ज्योतिरादित्य के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वे उत्तर प्रदेश की ड्राई ज़मीन पर कांग्रेस के लिए वातावरण पैदा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई और ग्वालियर राजघराने की अभी तक की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली शिवपुरी भी उनके हाथ से निकल गई। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और यह कहा जा रहा है कि ग्वालियर राजघराने के इतिहास में 40 वर्षों में पहली बार इतनी बड़ी पराजय हुई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।